स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 9, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6th स्टैंडर्ड के साइंस और मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इन अवर डे टू डे लाइफ वी सी मेनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे डे टू डे लाइफ में कई सारी चीज़ें हम देखते हैं जो मूविंग होती है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग होता है कि जिनका मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। और मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। और ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, मोशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको कई सारे पिक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं। डिस्कस विच ऑब्जेक्ट्स इन दी अबो पिक्चर्स आर इन मोशन, वॉट डिफरेंसेस आर सीन इन देयर मोशन। तो देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहे हैं कि ये जो बॉय है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फुटबॉल को इसने किक किया है। तो बॉल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, मतलब इसका मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, मतलब ये मोशन हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। देन सेकेंड, आपको यहाँ पर टॉप दिख रहा है, ये टॉप भी मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। देन थर्ड पिक्चर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस बॉय ने क्या किया है, बॉल को ऊपर फेंका है, देन वो बॉल फिर से नीचे आ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है कि एक बॉल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, मतलब मोशन है, यहाँ पे ये कह सकते हैं। देन यहाँ पे एरोप्लेन है, देन पॉटर है, पॉटर जो अपने पॉट्स बनाते हैं किसके ऊपर, व्हील्स के ऊपर। तो ये जो व्हील है, ये गोल गोल घूम रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे चीज़ें क्या है, मोशन हो रहा है यहाँ पे, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन जो मोशन यहाँ पे हो रहा है, क्या ये एक तरीके का हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये जो बॉल है, फुटबॉल जो है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। देन अगर टॉप की बात करेंगे तो टॉप कैसे घूम रहा है, गोल गोल एक ही जगह पे घूम रहा है। देन ये बॉल, ये एरोप्लेन, इनका जो मोशन हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, और जो व्हील है ये भी गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है वो मोशन में है, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन मोशन एक ही तरीके का होता है क्या, नहीं। तो आज के लेसन में हमें यही देखना है कि मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कौन से टाइप्स होते हैं, ये भी हमें आज स्टडी करना है। यहाँ पे मोशन, वाइल वेटिंग फॉर अ बस एट अ बस स्टॉप अदर व्हीकल्स अपीयर टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग बस स्टॉप पे बैठते हैं बस का वेट करने के लिए, तो उस टाइम हमें कई सारे व्हीकल्स दिखते हैं रोड के ऊपर चलने वाली। तो व्हीकल्स चल रहे हैं, मूव हो रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि व्हीकल्स किस में है, स्टेट ऑफ मोशन उनका हमें दिखाई दे रहा है, उनका मोशन हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन यू आर इन मोशन यूअर सेल्फ अ स्टील ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू बी मूविंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जब हम लोग बस में बैठते हैं या फिर कोई भी व्हीकल्स में बैठे हैं, कार में, ट्रेन में, तो जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि सारी जो चीज़ें बाहर है वो भी हमारे साथ क्या हो रही है, भाग रही है, ऐसे हमें लगता है। जैसे कि हमारी बस चल रही है और बाहर रोड पर हमें कई सारे ट्रीज अगर दिख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ट्रीज भी क्या हो रहे हैं, भाग रहे। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज आर सीन टू रन बैकवर्ड वाइल यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कई बार हम लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो ट्रीज जो होते हैं भागते नज़र आते हैं, लेकिन कहाँ, पीछे, मतलब पीछे की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूअसली द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है, जो प्लेस है वो चेंज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी एक चीज़ की अगर प्लेस चेंज हो रही है। तो देखिए, जैसे कि आपके हाथ में कोई पेन है, आपने पेन उठा लिया और टेबल पे कई ऊपर टेबल के ऊपर रख दिया, तो क्या हो रहा है कि आपके हाथ में जो पेन था उसकी प्लेस अभी चेंज हो गई, आपने टेबल के ऊपर रख दिया, मतलब पेन का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूसली अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट। और जो चीज़ें मोशन में होती है वहाँ तो उनको स्पीड भी मिल रही है, तो उनका तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही, वो तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे ही। जैसे कि अगर ट्रेन है, बस है, तो ये कंटिन्यूसली चल रही है, कंटिन्यूसली मोशन में है, तो उनकी तो प्लेसेस चेंज ही होने वाली है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूसली अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट, तो उनका डिस्प्लेसमेंट होता ही है। द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो किसी भी चीज़ का कंटिन्यूसली जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हम मोशन कहते हैं। जैसे कि ट्रेन, बस, कार, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ें मोशन में है, इस तरीके से हम कह सकते हैं।
अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन कौन से टाइप्स है। तो इसमें फर्स्ट आपको दिया है लीनियर मोशन। तो देखिए इसके नाम से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि लीनियर का मीनिंग होता है एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है उसे हम लीनियर मोशन कह सकते हैं। और ट्रेन और ए मूविंग व्हीकल्स ऑन ए रोड में ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए जैसे कि ट्रेन है, बस, कार, जो भी व्हीकल्स है, ये मोस्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। इनका जो डायरेक्शन होता है स्ट्रेट होता है। तो ये सारे लीनियर मोशन में है, इस तरीके से हम कह सकते हैं दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन इस नाम से ही आप याद रख सकते हो, लीनियर का मीनिंग होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन शोज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो लीनियर मोशन में है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट में हमें एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है। इफ़ यू स्टैंड ऑन ए चेयर एंड रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर हैंड इट फॉल्स टू द फ्लोर। तो जैसे देखिए आप क्या कर सकते हो, ये एक्टिविटी घर पे भी करके देख सकते हो कि कोई चेयर लीजिए, उसके ऊपर खड़े हो जाइए और एक बॉल आपको हाथ में पकड़ना है, उसको रिलीज़ करना है, मतलब छोड़ देना है वहाँ से, हाथ से। तो क्या होगा, ये बॉल नीचे फ्लोर पे गिर जाएगा। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम हिज। तो देखिए इस चीज़ से आपको क्या पता चलेगा कि जब आप बॉल छोड़ रहे हो ऊपर से, तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में आके बॉल फ्लोर के ऊपर गिरता है। तो यहाँ पे लीनियर मोशन हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, कंपेयर द मोशन ऑफ सोल्जर्स ऑन परेड एंड अ गर्ल कमिंग डाउन अ स्लाइड। तो जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है कि सोल्जर जो है यहाँ पे परेड कर रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो गर्ल है स्लाइड से नीचे आ रही है। तो इनमें डिफरेंसेस हमें क्या नज़र आए ये हम देखने वाले। द मोशन ऑफ सोल्जर्स इन ए परेड इज द सेम। तो जो मोशन यहाँ पे परेड में सोल्जर्स का हो रहा है ये सेम ही हो रहा है। ड्यूरिंग दैट पीरियड नॉट इवन अ स्लाइट डिफरेंसेस इज सीन। तो देखिए सोल्जर्स की परेड जो होती है, अगर आपने कभी देखी होगी या फिर टीवी में भी आपने कभी देखा होगा, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि उनके जो पैर हाथ का जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये एक जैसे होते हैं, बिल्कुल भी स्लाइड थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अगर राइट पैर आगे है तो सब सोल्जर्स का एक ही टाइम पे एक ही बार क्या होते हैं, पैर आगे आते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। हाउ एवर द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। अगर बात हम यहाँ पे करेंगे कि जो गर्ल यहाँ पे स्लाइड से ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसकी जो मोशन है या फिर जो उसको स्पीड मिल रहा है यहाँ पे, ये सेम नहीं होता है। जैसे ये ऊपर से आना स्टार्ट करेगी तो स्पीड कम होता है, देन जैसे जैसे नीचे आती है तो स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द गर्ल कम्स डाउन फास्टर एंड फास्टर। नीचे जैसे जैसे आती है तो स्पीड ज़्यादा हो जाता है। द स्पीड ऑफ हर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने भी स्लाइड पे आप लोग भी खेले होंगे, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि जब आप स्टार्टिंग में नीचे आते हो तो उस टाइम स्पीड कम होती है, देन जैसे जैसे नीचे आओगे तो स्पीड बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सोल्जर्स की, तो इनकी परेड में ऐसा नहीं होता है। उनके एक स्पीड जो होता है स्टार्टिंग में, तो पूरी जो परेड चल रही है उनका जो पीरियड है, टाइम है, वो सेम ही रहता है। द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसीलिए देखिए यहाँ पे उनका जो मोशन हो रहा है एक यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है, मतलब वहाँ पे कोई भी चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। इसीलिए उस मोशन को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर तो है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन उनका टाइमिंग भी सेम है, तो उसे हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कह सकते हैं। बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन। तो यहाँ पे हमें चेंज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, ना टाइम में चेंज दिखाई दे रहा है और ना ही मोशन में किसी भी तरीके का चेंज हमें दिखाई दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो गर्ल स्लाइड से नीचे आ रही है तो उसका स्पीड कैसे हो रहा है, यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है, डिफरेंस हमें दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। दीज आर दी टू मेन टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। तो जैसे हमने पहले मोशन देखा लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, उसके अगेन टू टाइप्स है यहाँ पे लीनियर मोशन के, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यहाँ पे आपको नीचे दिया भी है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम इज कंटिन्यूअसली द सेम द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो देखिए जो मोशन जो हो रहा है, लीनियर मोशन जो है एक स्ट्रेट लाइन में होता है, डिस्टेंस जो ट्रैवल्स हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है, लेकिन जो टाइम यहाँ पे लगने वाला है कंटिन्यूसली सेम टाइमिंग रहेगा, टाइम चेंज नहीं होगा, तो इस मोशन को हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन
ये यूनिट टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। यहाँ पे देखिए ये भी जो मोशन होने वाला है एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन में ही होने वाला है, लेकिन जो टाइमिंग यहाँ पे है ये चेंज हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पे नॉन लीनियर मोशन में दिया है हमें द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है उसे हम नॉन लीनियर मोशन कहते हैं। नॉन लीनियर मोशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, तो नॉन लीनियर मोशन के भी कई टाइप्स है, जैसे हमने लीनियर मोशन के देखे उसी तरीके से नॉन लीनियर मोशन के भी टाइप्स हम देखने वाले हैं। वॉट काइंड ऑफ मूवमेंट डज अ स्विंग इन ए पार्क शो, तो देखिए बच्चों आप लोगों ने भी स्विंग मतलब झूला झूला होगा पार्क में घर पे कहीं पर भी, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, द स्विंग ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाई देगा कि अगर यहाँ पे स्विंग जो होता है या एक एंड तक जाता है तो वहाँ से फिर से रिटर्न आता है, यहाँ तक आएगा तो फिर से रिटर्न, तो एक मोशन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग और ऑक्सीलेशन, तो ये जो हो रहा है ना कि एक एंड तक जा रहा है झूला देन फिर से वापस आता है और जहाँ पीछे जा रहा है वहाँ से फिर से आगे जा रहा है, तो इसे ऑक्सीलेशन भी कहा जाता है। और इस ऑक्सीलेशन के लिए जो टाइम लगने वाला होता है वो सेम ही रहता है, एंड दिस मोमेंट ऑफ ए स्विंग इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीलेशन नज़र आ रहा है और ऑक्सीलेशन में जो मोशन हो रहा है उसे हम ऑक्सीलेटरी मोशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीलेशन के लिए टाइम लगता है ये सेम ही होता है। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, जैसे कि क्लॉक में जो पेंडुलम होता है वो भी इसी तरीके से मूव करता है। द विंग्स ऑफ ए बर्ड जो होते हैं, द नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन, सिलाई मशीन अपने आप देखी होगी तो जो नीडल होती है कंटिन्यूसली ऊपर नीचे एक ही जगह पे होती है, तो वहाँ पर भी हम कह सकते जो टाइम उन्हें लगता है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाने के लिए वो सेम ही होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते कि ये सीविंग मशीन नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन ये एग्जाम्पल है ऑक्सीलेटरी मोशन का। द वाइब्रेटिंग डायफ्राग्राम ऑफ ए तबला और ड्रम आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन, और एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया है जैसे कि तबला है ड्रम है उसके ऊपर अगर हम लोग बजाते हैं देन वाइब्रेशन जो होता है वो भी ऑक्सीलेटरी मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको पिक्चर दिए तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। द मोशन ऑफ ए बॉडी दैट इज ऑक्सीलेटिंग दैट मीन्स स्विमिंग स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। जैसे आपने कभी सर्कल देखा होगा टीवी में या फिर रियल में भी देखा होगा, तो इस तरीके से देखिए जो सर्कस के लोग होते हैं यहाँ पे अगर झूला है तो इस तरीके से झूलते हैं वहाँ पे, तो जो झूले का जो ऑक्सीलेशन होता है उस टाइम उनकी जो पूरी बॉडी है ये बॉडी भी ऑक्सीलेट होती है, तो इसे भी हम एग्जांपल ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन कह सकते हैं। देन यहाँ पे हमने देखा था क्लॉक ऑफ पेंडुलम, तो पेंडुलम क्या होता है इस तरीके के जो बड़े क्लॉक्स होते हैं उसमें ये पेंडुलम होता है, तो इस पेंडुलम का अगर आप ऑक्सीलेशन देखोगे मोशन देखोगे तो इस तरीके का होता है। अगर ये बीच में है अगर ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ तक जाएगा देन उसके बाद यहाँ तक जाएगा बीच में आएगा देन फिर से आगे, मतलब इनका जो टाइमिंग होता है ये सेम ही होगा। देन हम देखेंगे यहाँ पे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मूव इन ए सर्कुलर मैनर। अभी हम दूसरा टाइप देखने वाले यहाँ पे कि क्लॉक हम सब लोग देखते हैं तो इसमें जो हैंड्स होते हैं जो मिनट काटा या फिर आवर काटा जो होता है हैंड्स जो होते हैं ये किस तरीके से घूमते हैं, देखिए सर्कुलर मैनर सर्कुलेट पाथ में घूमते हैं। सिमिलरली अ फैन अ जायंट व्हील एंड अ मेरी गो राउंड कम्प्लीट ईच राउंड अलॉन्ग अ सर्कुलर रूट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलर मोशन की तो देखिए यहाँ पे जायंट व्हील है देन ए मेरी गो राउंड है उसके बाद फैन है, फैन भी आपके सबके घर में फैन होता है तो एक बार आप देखिए फैन किस तरीके से घूम रहा है तो गोल 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 घूमता है सर्कुलर रूट में। इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ट्रेस अ सर्कुलर पाथ। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके घर में भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो आपके पास जो भी एग्जाम्पल से आपको जो पता है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स आपके घर में हैं जो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहे हैं जिनका मोशन आपको सर्कुलर लग रहा है ऐसे एग्जाम्पल्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। विच अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन कैन यू गिव, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वी सी फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन दैट सम ऑब्जेक्ट्स कम्प्लीट वन राउंड और वन ऑक्सीलेशन इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम।
तो देखिए यहाँ पे एक जो ऑक्सीलेटरी मोशन है, यहाँ पे पेंडुलम का एग्जांपल लेंगे, तो ये जो ऑक्सीलेशन यहाँ पे हो रहा है कि ये यहाँ तक आगे जाएगा, देन पीछे जाएगा, बीच में आएगा आगे, तो इसके लिए जो टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है, पीरियड टाइम जो फिक्स होता है यहाँ पे। उसके बाद अगर सर्कुलर पाथ की बात करेंगे, हम जायंट व्हील का एग्जाम्पल लेंगे, अगर जायंट व्हील यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये पूरा जो सर्कल है उसको कम्प्लीट करने के लिए, पाथ कम्प्लीट करने के लिए अगर 5 मिनट्स लगते हैं, तो कंटिन्यूसली यही स्पीड अगर उसका है कि एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए ये उसे 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम फिक्स है एक सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, एक टाइम वहाँ पे फिक्स है। तो फॉर एग्जांपल द मिनट हैंड ऑफ, यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक कंप्लीट 1 राउंड इन एग्जैक्टली 60 मिनट्स एवरी टाइम। देखिए यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल दूंगी मैं क्लॉक का, तो अगर बात करेंगे हम क्लॉक की, तो देखिए जो मिनट जो हैंड है यहाँ पे, या फिर काटा जिसे हम कहते हैं, ये पूरा एक कंप्लीट राउंड करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे जो टाइम लगेगा वो सेम ही होता है कि अगर मिनट की बात करें तो 60 मिनट्स के बाद ही ये यहाँ पे आ जाएगा, देन फिर से अगर ये सेकेंड राउंड स्टार्ट करेगा यहाँ से तो 60 मिनट के बाद यहाँ पे आ रहा है। तो टाइम यहाँ पे फिक्स है, जायंट व्हील है या फिर क्लॉक है, इसमें टाइम तो फिक्स है यहाँ पे। सच मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन, तो जहाँ पे टाइम पीरियड ये क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही वो मोशन हो रहा है, चाहे वो सर्कुलर मोशन में हो या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन में है, उसे क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, पीरियडिक मोशन, अगर टाइम सेम है तो। देन यहाँ पे देखेंगे द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, जो मोशन जो है सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स पीरियड इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा क्लॉक का, जायंट व्हील का, कि एक पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं देन पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसे एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, उसे हम पीरियडिक मोशन कह सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ गार्डन, तो देखिए यहाँ पे बच्चे जो गार्डन में खेल रहे हैं, ये एक जो गर्ल दिख रही है बटरफ्लाइज के पीछे भाग रही है। व्हाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन डू यू रन अलोंग अ डेफिनेट पाथ और इन द सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम। जैसे देखिए अगर आपको कोई बटरफ्लाई को अगर पकड़ना है तो क्या आप एक ही डेफिनेट पाथ के ऊपर भागोगे क्या, एक ही रास्ते से भागोगे क्या, और एक ही डायरेक्शन में भागोगे क्या? नहीं, नॉट रियली। अ बटरफ्लाई कॉन्स्टेंटली फ्लिट्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, तो वो बटरफ्लाई एक ही डायरेक्शन में कभी नहीं भागते हैं, वो हमेशा इधर उधर क्या करते रहते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की ओर भागते रहते हैं। देर इज़ नो डेफिनेट डायरेक्शन टू इट्स मोशन, तो उनका मोशन तो होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है। सच मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन, तो द मोशन दैट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन का मीनिंग क्या होता है, जो मोशन में हमें चेंजेस नज़र आते हैं डायरेक्शन में, कि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बटरफ्लाई का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उनका स्पीड भी क्या होता है, चेंज होता है, तो उनको हम यहाँ पे रैंडम मोशन कह सकते हैं। द मोशन ऑफ द प्लेयर्स इन अ गेम ऑफ फुटबॉल इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप, तो देखिए फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स का अगर आप देखेंगे तो क्या एक ही डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होता है क्या, मोशन होता है क्या? नहीं। द मोशन ऑफ ए क्राउलिंग बेबी और ए वॉन्डरिंग एनिमल्स इज ऑल्सो रैंडम मोशन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि क्राउलिंग बेबी, जो बेबी जो क्राउल करते हैं तो क्या एक ही डायरेक्शन में करेंगे क्या? नहीं। और उनका स्पीड भी एक ही होता है क्या? नहीं, वो अपने मन से क्या करते हैं, स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो इसे हम रैंडम मोशन कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और भी अगर आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे ना रैंडम मोशन के, तो आप यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, अ बस कवर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है कि बस यहाँ पे सोलापुर टू पुणे जा रही है, 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कंप्लीट किया है 5 आवर्स में, तो एक घंटे में कितना टाइम उन्होंने कवर किया है, बस ने कवर किया है, ये हमें अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे हम। While solving this example, we take the ratio of the distance traversed and the time required to traverse that distance. अगर हमें यहाँ पे ये निकालना है कि एक घंटे में कितना ट्रैवर्स किया है बस ने, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे स्पीड, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, जिसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवर्स, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवर्सिंग इन दी ट्रैवर्सिंग दी डिस्टेंस, और डिस्टेंस ट्रैवर्स करने के लिए टाइम कितना लगा, ये अगर चीज़ें आपके पास है तो आप स्पीड निकाल सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ डिस्टेंस कितना है वो निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो।
यूनिट ऑफ स्पीड, और स्पीड के लिए यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। देन यहाँ पे देखेंगे हम, व्हाइल सॉल्विंग दिस एग्जांपल वी टेक द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा। फ्रॉम दिस रेशियो वी कम टू नो द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय द बस इन वन यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नंबर्स में दिया है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई भी किसी भी टाइप का एग्जांपल आएगा, आपको फार्मूला अगर याद है तो आप यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखना है, अलवेज रिमेंबर अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो एक ही टाइप का मोशन वहाँ पे हमें नहीं दिखता है, अलग अलग मोशन दिखते हैं जो हमने लेसन में देखे हैं। व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर दोज दैट चेंज देयर पोजिशन कंटिन्यूसली। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका पोजिशन कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है। द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन आर लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर। तो देखिए हमने मोशन के टाइप्स देखे, जिसमें लीनियर के भी टाइप्स देखे हमने, यूनिफॉर्म लीनियर एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर। उसके बाद देखिए हमने ऑक्सीलेटरी, नॉन लीनियर में ऑक्सीलेटरी, सर्कुलर, पीरियोडिक एंड रैंडम मोशन हमने देखे। द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो जैसे कि हमने स्पीड का फॉर्मूला भी देखा, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल्स अ सर्टन डिस्टेंस डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी जानकारी हमें इस लेसन से मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।